हेलो माय डियर स्टूडेंट माय सेल्फ आलोक वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर इससे प्रीवियस वीडियोज में स्टूडेंट हमने सीखा था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होती है कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं क्लियर आई होप स्टूडेंट आपने सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है रेडॉक्स रिएक्शन की उसमें आपको सारे वीडियोज़ रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगे क्लियर तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर अब स्टूडेंट जो बैलेंसिंग है रेडॉक्स रिएक्शन की वो दो मेथड से हो सकती है बाय टू मेथड से एक मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड ठीक है सो देर आर टू वेज या टू मेथड्स बाय विच वी कैन बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन वन इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इसका सेकंड नेम है हाफ रिएक्शन मेथड एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन नंबर मैथड स्टूडेंट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मैथड और हाफ रिएक्शन मैथड क्लियर तो स्टूडेंट हम पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड ठीक है इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग कंप्लीट बैलेंसिंग सीखेंगे किसकी रेडॉक्स रिएक्शन की बाय सेम मेथड दैट इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तो आज के वीडियो में हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बाई यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग सेम मेथड दैट इज़ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करेक्ट है ना अब स्टूडेंट हाफ़ रिएक्शन मेथड क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं हाफ रिएक्शन को पहले ऑक्सीडेशन हाफ़ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को दोनों को हम सेपरेटली बैलेंस करते हैं और बाद में क्या करते हैं हम उसको ऐड कर देते हैं करेक्ट है ना तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं कि इसको कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन को बट हम आज के वीडियो लेक्चर में कंसंट्रेट कर रहे हैं हाउ टू बैलेंस एन हाफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करेक्ट तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अब ठीक है स्टूडेंट मेथड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड इस मेथड का नेम है क्लियर है सेकंड मेथड क्या था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो हम जब पहले कंप्लीट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग कर लेंगे हाफ रिएक्शन की भी और कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की उसके बाद फिर हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे टू बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करेक्ट क्लियर अब स्टूडेंट क्या है, है यहाँ पे ठीक है देखिए सेकेंड लाइन मैंने क्या लिखा हैडिंग में मैथड ऑफ मैथड टू बैलेंस अ हाफ रिएक्शन हम किसपे किस किसको बैलेंस कर रहे हैं हाफ रिएक्शन को दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अब स्टूडेंट जो रिडोक्स रिएक्शन होती है वो आइदर टू मीडियम्स में होती है या तो एसिडिक या तो बेसिक ठीक है तो यहाँ पे दो मीडियम है जिसमें रिएक्शन आकर हो रही होगी या तो एसिडिक या तो बेसिक मीडियम का मतलब स्टूडेंट या तो रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में हो रही होगी रेडॉक्स रिएक्शन या किसके प्रेजेंस में बेस के रिएक्शन में ठीक है तो अगर एसिड के प्रेजेंस में हो रही है तो हम उसको बोलेंगे एसिडिक मीडियम और बेस के प्रजेंस में अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे बेसिक मीडियम ठीक है सो so, हम यहाँ पे दो मेथड हैं दो डिफरेंट मेथड्स हैं बैलेंसिंग इन एसिडिक मेथड मतलब एसिडिक मीडियम और बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम राइट तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को हाउ टू बैलेंस द हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम क्या है हाउ टू बैलेंस द हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस अ हाफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है जब हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले आपको एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना कर कर तो है मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको सबसे पहले किसको बैलेंस करना है एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो यहाँ पे वही लिखा पहला पॉइंट बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट सबसे पहला सेकेंड स्टूडेंट नेक्स्ट आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ठीक है स्टूडेंट ऑक्सीजन so, मतलब एक ऑक्सीजन का डेफिशियंट है तो आप जिधर ऑक्सीजन की डेफिशंसी होगी जिधर ऑक्सीजन डेफिशियंट होगा जिस साइड में लेफ्ट साइड में राइट right, साइड में ऑफ right, रिएक्शन right, 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 के उधर आप क्या ऐड कर देंगे वाटर तो अगर एक ऑक्सीजन की डेफिशंसी तो आप कितना वाटर ऐड करेंगे वन अगर टू ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो आप कितना ऐड करेंगे टू वाटर क्योंकि एक वाटर से एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा करेक्ट है तो अगर हमें दो की ज़रूरत है दो की डेफिशिएंसी है तो हम दो वाटर ऐड करेंगे करेक्ट राइट थर्ड स्टेप स्टूडेंट आपको बैलेंस किसको करना है थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन को ठीक है और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे स्टूडेंट कैसे एच प्लस आइन से कैसे बैलेंस करेंगे बाय एडिंग एच प्लस आइन ठीक है इसका मतलब क्या है अगर आपने राइट right साइड में सपोज आपने क्या वाटर ऐड कर दिया एक वाटर ऐड किया तो आपको लेफ्ट साइड में क्या ऐड करना पड़ेगा टू टाइम्स ऑफ एच प्लस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक वाटर से कितना एच प्लस मिलेंगे दो एच प्लस मिलेंगे सो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है बैलेंस करना है हाइड्रोजन से बाय एडिंग एच प्लस आयन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वाटर किसका है अपोजिट साइड ऑफ वाटर पर ठीक है करेक्ट सो so, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पॉइंट वही लिखा है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर ऑन द साइड डेफिशियंट विथ ऑक्सीजन जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशेंसी होगी उस साइड हम वाटर ऐड करेंगे थर्ड स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग एच प्लस ऑन द साइड अपोजिट टू अपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर ठीक है जिधर आपने वाटर ऐड किया उसके अपोजिट साइड में आप क्या एड करेंगे एच प्लस ठीक है राइट right? और फोर्थ स्टेप पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे चार्ज को बैलेंस करेंगे ठीक है क्या बैलेंस करेंगे चार्ज सो बैलेंस द चार्ज कैसे बैलेंस करना है बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है सो बैलेंस द चार्ज एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द साइड हैविंग हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर जिस भी साइड में हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस साइड में आप इलेक्ट्रॉन एड कर देंगे टू बैलेंस द चार्ज ठीक है सो देर आर फोर स्टेप्स टू बैलेंस अ रिएक्शन बैलेंस अ हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम रिपीट करें स्टूडेंट क्या था पहला फर्स्ट स्टेप क्या था बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम फर्स्ट सेकेंड क्या था बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर ऑन द ऑन द ऑक्सीजन डेफिशेंट साइड ठीक है थर्ड क्या था बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एच प्लस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वाटर ठीक है फोर्थ स्टेप में बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द हाइयर ऑक्सीजन साइड जहाँ इधर हाइयर ऑक्सीजन नंबर है उस साइड आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन ठीक है अब इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट क्या है इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में जब आप बैलेंस करेंगे बैलेंसिंग करेंगे तो आप सिर्फ़ तीन चीज़ें ऐड कर सकते हैं एक क्या स्टूडेंट वाटर या एच प्लस ये तो क्या हो गया एसिडिक मीडियम में और अगर बेसिक मीडियम में तो आप क्या ऐड कर सकते हैं ओ OH एच माइनस मतलब इन थ्री सब्सटेंस के अलावा इन थ्री स्पीसीज के अलावा वाटर एच प्लस और ओ एच माइनस फोर्थ और फोर्थ क्या है इलेक्ट्रॉन ठीक है इन फोर चीज के अलावा आप कोई भी एलिमेंट ठीक है ना या इस्पीसीज या आयन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे वाइल बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है आप सिर्फ चार चीज़ें ही things, फोर थिंग्स फोर चीज़ें ही ऐड कर सकते हैं वाइल बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन वो क्या क्या है वाटर प्लीज़ मैंसन इट सेकेंड एच प्लस आयन या ओ एच माइनस आयन या फिर क्या इलेक्ट्रॉन करेक्ट है इन चार चीजों को छोड़कर आप कोई भी चीज ऐड नहीं करेंगे वाइल बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन करेक्ट ठीक है तो बस रिपीट कर रहा हूँ ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा वाटर से और हाइड्रोजन बैलेंस होगा किससे एच प्लस से ठीक है अब आइए स्टूडेंट रिएक्शन देखते हैं बैलेंसिंग सीखते हैं क्वेश्चन है सी आर टू ओ सेवन टू माइनस को बैलेंस करना है सी आर थ्री प्लस से ठीक है सो so स्टूडेंट मैंने क्या कहा था आपको सबसे पहले क्या करना है एटम बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो अगर आप ध्यान से देखें इस इधर क्रोमियम कितने हैं टू इधर क्रोमियम कितने हैं वन तो आप क्या करेंगे यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या कर देंगे टू से मल्टीप्लाई अब क्रोमियम बैलेंस हो गया फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर तो आप देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है सेवन इधर ऑक्सीजन ज़ीरो है इसका मतलब क्या होगा एक वाटर से एक ऑक्सीजन मिलेगा तो आपको कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे सेवन वाटर ऐड करने पड़ेंगे दैट इज सेवन एच टू एड करेंगे सेकेंड स्टेप में करेक्ट अब क्या बैलेंस हो गया स्टूडेंट ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अब थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने हो गए सेवन टू जब फोर्टीन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे लेफ्ट साइड में जीरो इसका मतलब आपको टू टाइम्स ऑफ वाटर टू टाइम्स ऑफ जो वाटर है उतना H प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा अपोजिट साइड में राइट right? तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है फोर्टीन तो आपको इधर क्या ऐड करना पड़ेगा फोर्टीन H प्लस आयन क्या ऐड करना पड़ेगा फोर्टीन एच प्लस आयन राइट तो रिएक्शन अब देखिए बैलेंस हुई कि नहीं हुई क्रोमियम के कितने स्टूडेंट टू क्रोमियम टू बैलेंस है वॉट ऑक्सीजन सेवन ऑक्सीजन सेवन हाइड्रोजन सेवन टू जब फोर्टीन सेवन टू जब फोर्टीन राइट अब क्या बचा स्टूडेंट लास्ट में बचा चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट राइट हाउ टू बैलेंस द चार्ज अब आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो चार्ज देखना है वो आयन के ऊपर देखना है कितना चार्ज है ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं देखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या देखना है आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो देखना है और उससे बैलेंसिंग करनी है चार्ज की राइट right? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कैलकुलेट करना है आपको क्या करना है जो आयन के ऊपर जितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना है और फिर चार्ज फिर बैलेंसिंग करनी है चार्ज की बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है अब देखिए ये आयन कंप्लीट है सी आर सी आर टू ओ सेवन टू माइनस तो इस आयन पे चार्ज कितना है माइनस टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो माइनस टू लिख दिया हमने अब यहाँ पे ये आयन है एच प्लस तो एच प्लस पे चार्ज कितना है प्लस वन का अब कितने एच प्लस हैं यहाँ पे फोर्टीन एक एच प्लस है प्लस वन का चार्ज मिलेगा तो फोर्टीन से कितना मिलेगा प्लस फोर्टीन का चार्ज सो so, कितना चार्ज आया स्टूडेंट माइनस टू प्लस फोर्टीन कितना प्लस कितना आया प्लस ट्वेल्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब इधर देखिए क्रोमियम कितने हैं ये आयन है सी आर प्लस थ्री तो एक क्रोमियम पे कितना चार्ज है एक क्रोमियम आयन पे प्लस थ्री का चार्ज तो यहाँ क्रोमियम आयन कितने हैं टू तो थ्री टू जा कितना सिक्स राइट और वाटर क्या है न्यूट्रल है मॉलिक्यूल है कोई चार्ज नहीं है तो सिक्स प्लस ज़ीरो कितना हो गया सिक्स कितना हो गया सिक्स तो आप देखिए स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड है उधर कितना चार्ज है प्लस ट्वेल्व और जो राइट right साइड है उधर कितना चार्ज है प्लस सिक्स इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है टू बैलेंस द चार्ज अब मैंने क्या बोला था आपको कि आपको इलेक्ट्रॉन उस तरफ ऐड करना है जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है ठीक है ना या जिधर चार्ज ज़्यादा है ठीक है तो इधर देखिए क्या है चार्ज कितना आ रहा है प्लस ट्वेल्व और इधर कितना आ रहा है प्लस सिक्स तो आप क्या करेंगे डिफरेंस कितना है सिक्स इलेक्ट्रॉन का तो आप क्या करेंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे राइट right साइड में क्यों ऐसा क्या हुआ देखिए क्यों हुआ क्योंकि 12 तो प्लस ट्वेल्व और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज तो चार्ज भी क्या हो गया बैलेंस हो गया तो जिधर चार्ज ज्यादा आएगा उधर ही आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ठीक है ना राइट आइए so, इसको देखते हैं सी आर टू ओ सेवन टू माइनस सी आर गिफ्स थ्री प्लस हाफ रिएक्शन स्टूडेंट ये ठीक है अब पहला स्टेप क्या था बैलेंस क्रोमियम क्योंकि बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो यहाँ सी आर टू थे यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया टू थर्ड स्टेप में स्टूडेंट क्या था सॉरी सेकेंड स्टेप में क्या था आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना था तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में सेवन तो राइट right साइड में आप कितना ऐड करेंगे सेवन वाटर ऐड कर देंगे अब थर्ड स्टेप में इधर कितने हाइड्रोजन हो गए फोर्टीन तो इधर आप फोर्टीन के ऐड करेंगे एच प्लस अब लास्ट स्टेप राइट ठीक है ये इम्पोर्टेंट लास्ट स्टेप स्टेप आपको चार्ज को बैलेंस करना आना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही है ठीक है तो आप देखिए क्या है मैं रिपीट कर रहा हूँ सी आर टू ओ सेवन टू माइनस आयन का चार्ज काउंट करना है आयन का चार्ज ठीक है और कितना है फोर्टीन एच प्लस तो अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो कितना चार्ज है एक आयन पे कितना चार्ज है माइनस टू और चार आयन भी कितने हैं वन तो आपको कितना लिखना है माइनस टू और एक आयन पे चार्ज यहाँ पे कितना है प्लस वन तो और कितने चार्ज कितने हैं आयन कितने हैं एच प्लस के फोर्टीन तो कितना प्लस फोर्टीन तो कितना हो गया प्लस ट्वेल्व कितना हो गया प्लस ट्वेल्व ठीक है सिमिलरली राइट साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है टू सी आर थ्री प्लस और सेवन वाटर वाटर तो कंपाउंड है न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर तो वो तो जीरो हो गया और यहाँ कितना हो गया थ्री टू जा सिक्स तो इधर कितना चार्ज हो गया प्लस सिक्स का चार्ज हो गया क्योंकि सी आर प्लस थ्री आयन है ठीक है मैं बार बार बोल रहा हूँ किसका चार्ज काउंट करना है आपको आयन का तो लेफ्ट साइड में कितना है प्लस ट्वेल्व लेफ्ट साइड में प्लस ट्वेल्व और राइट right साइड में कितना प्लस सिक्स तो कैसे बैलेंस करेंगे आप इसमें यहाँ पे क्या करें हम सिक्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं इस साइड में क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस वन तो सिक्स पे कितना होगा माइनस सिक्स तो कितना होगा प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स इक्वल टू कितना प्लस सिक्स अब लेफ्ट साइड का भी चार्ज प्लस सिक्स राइट साइड का भी चार्ज प्लस सिक्स और ये क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया कंप्लीट राइट सो देखिए यहाँ पे वही लिखा मैंने प्लस फोर्टीन किसका चार्ज है हाइड्रोजन का और इस क्रोम इस पे क्रोमेट आयन पे कितना चार्ज है माइनस टू तो प्लस फोर्टीन माइनस टू कितना प्लस ट्वेल्व और यहाँ पे कितना है एक क्रोमियम पे प्लस थ्री तो टू क्रोमियम पे प्लस सिक्स तो इधर कितना चार्ज हो गया प्लस ट्वेल्व इधर कितना चार्ज हो गया प्लस सिक्स तो इसका मतलब क्या हो गया इधर सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन का सिक्स चार्ज का डिफरेंस है तो आप इस तरफ क्या ऐड कर देंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जिधर चार्ज ज़्यादा होगा ठीक है तो आप देख सकते हैं अब ये कम्प्लीट क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया ठीक है आई होप स्टूडेंट आपको समझ में क्लियर है क्वेश्चन स्टूडेंट राइट राइट तो ये हमने किस में बैलेंसिंग करी इन एसिडिक मीडियम करेक्ट राइट एक और एग्जाम्पल देखते हैं उससे हमें ज़्यादा और बेटर क्लैरिटी मिलेगी हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वहाँ पे है हमने लिया हुआ एम एन ओ फोर माइनस और इट गिव्स एम एन टू प्लस क्या दे रहा है एम एन टू प्लस ठीक है इसको आप खुद बैलेंस करने की सोचिए कि आप कैसे बैलेंस करेंगे राइट right? तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ एम एन नो फोर माइनस गिव्स वाट स्टूडेंट एम एन टू प्लस तो सबसे पहले हमें क्या करना है एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो एम एन स्टूडेंट रिएक्टेंट साइड कितना है वन और प्रोडक्ट साइड भी वन है नेक्स्ट हमें बैलेंस करना था क्या इसको स्टूडेंट ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं वाटर को तो इधर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने फ़ोर हैं और प्रोडक्ट साइड में कुछ भी नहीं है तो आप क्या ऐड करेंगे फोर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे क्योंकि हर वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन हमें मिलेगा करेक्ट अब आप देखिए प्रोडक्ट साइड अब हाइड्रोजन कितने होंगे एट तो और रिएक्टेंट साइड ज़ीरो है तो आप इधर क्या ऐड करेंगे एट एच प्लस का चार्ज ठीक है सॉरी एट एच प्लस ऐड करेंगे ठीक है अब देखिए आप वेरीफाई कर लीजिए एम एन वन है एम एन वन है बैलेंस हो गया ऑक्सीजन फोर है ऑक्सीजन फोर है बैलेंस हो गया हाइड्रोजन एट है और इधर भी एट है लास्ट क्या बचा स्टूडेंट चार्ज तो वो इंपॉर्टेंट है ठीक है मैंने पहले ही बोला चार्ज का बैलेंस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो चार्ज का बैलेंस है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है ठीक है राइट तो क्या करना है स्टूडेंट मैंने क्या बोला था आपको आयन का टोटल आयन का चार्ज काउंट करना है तो ये कंप्लीट एक आयन है इस पर चार्ज कितना है माइनस वन तो ये माइनस वन हो गया और यहाँ एच प्लस एक आयन है तो एक एच प्लस पर चार्ज कितना है प्लस वन और कितने एच प्लस हैं एट एच प्लस तो प्लस एट तो टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस सेवन तो प्लस सेवन का चार्ज है किधर रिएक्टेंट साइड आइए प्रोडक्ट साइड देखते हैं ये एक आयन है इस आयन पे चार्ज कितना है टू प्लस या प्लस टू कितना प्लस टू लिख रहा हूँ मैं और ये क्या है वाटर है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट है ना कंपाउंड है इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या इसका चार्ज क्या लिखेंगे ज़ीरो तो प्लस टू प्लस ज़ीरो कितना आएगा स्टूडेंट प्लस टू तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड तो चार्ज कितना है प्लस टू और रिएक्टेंट साइड कितना था प्लस सेवन कितने का डिफरेंस स्टूडेंट फाइव का चार्ज किधर ज़्यादा है रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड किधर साइड ज़्यादा है रिएक्टेंट साइड ज़्यादा है कितने का ज़्यादा है फाइव का तो आप क्या करेंगे रिएक्टेंट साइड फाइव इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे? कर देंगे ऐड कर देंगे क्यों क्योंकि जब फाइव इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो प्लस सेवन और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन का चार्ज तो पाँच पे कितना माइनस फाइव तो ये कितना हो गया प्लस टू तो अब प्लस टू और इधर का भी चार्ज क्या हो गया प्लस टू दोनों क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया करेक्ट राइट सो देखिए यहाँ पे वही किया हुआ एम एन ओ फोर माइनस गिवस एम एन टू प्लस फिर हमने क्या करा एम एन ओ फोर एम एन एक था एम एन एक एक था तो हमें एम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट बोथ साइड कितना था वन वन फिर ऑक्सीजन कितने थे लेफ़्ट uh, साइड में फ़ोर तो हमने इधर फोर वाटर ऐड कर दिया राइट right साइड में तो जब आपने राइट right साइड में फ़ोर वाटर ऐड किया तो एट हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए किस तरफ मोर रिएक्टें सॉरी प्रोडक्ट साइड ज़्यादा हो गए दैट इज राइट साइड में ज़्यादा हो गए तो आपको लेफ्ट साइड में क्या ऐड करना था एट एच प्लस ठीक है <coughs> अब सिर्फ लास्ट चार्ज बचा इस एम एन ओ फोर पर चार्ज कितना माइनस वन और एट एच प्लस है तो चार्ज कितना हो गया प्लस एट तो टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस सेवन इधर चार्ज कितना है प्लस टू और हाइड्रोजन पे जीरो तो कितना चार्ज है प्लस टू कितना एक्स्ट्रा चार्ज है फाइव का एक्स्ट्रा चार्ज है और किधर ज़्यादा है रिएक्टेंट साइड तो इधर आपने क्या करा फ़ाइव इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वही स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखिए फ़ाइव इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए करेक्ट तो स्टूडेंट याद रखेंगे ठीक है सबसे पहले क्या करना है एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है फिर आपको क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना है वाटर से फिर आपको बैलेंस करना है किसको हाइड्रोजन से किससे से एच प्लस से फिर बैलेंस करना है चार्ज को किससे इलेक्ट्रॉन से तो आपको ये रूल फॉलो करना है ए ओ एच सी ठीक है एटम अदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ओ से ऑक्सीजन विथ हेल्प ऑफ वाटर फिर हाइड्रोजन विथ हेल्प ऑफ एच प्लस और चार्ज विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यही रूल है स्टूडेंट टू बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम करेक्ट तो आई होप स्टूडेंट आपको बैलेंसिंग क्लियर हुई ठीक है हम बैलेंसिंग किससे कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या इसको दूसरा नाम क्या है इसका हाफ रिएक्शन मेथड। तो हमने अभी बैलेंसिंग करी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इन एसिडिक मीडियम किसमें बैलेंसिंग करी इन एसिडिक मीडियम आइए स्टूडेंट आप डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम सो बेसिक मीडियम में क्या करना है स्टूडेंट आपको पहले रिएक्शन को क्या करना है आपको एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है क्या क्या है तो फर्स्ट फोर स्टेप्स क्या हैं सेम है पहले आपको रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करना है दिस मीन्स यू हैव टू रिपीट फर्स्ट फोर स्टेप सेम एज यू हैव बैलेंस इन एसिडिक मीडियम जो आपने सीखा है वहीं आपको फोर स्टेप रिपीट करना पड़ेगा क्या था एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन सॉरी फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन और फिर चार्ज ये ऑक्सीजन किससे वाटर से और हाइड्रोजन H प्लस है यही फोर स्टेप आपको यहाँ भी फॉलो करने ठीक है फर्स्ट फोर स्टेप सेम है नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ स्टेप क्या करना है आपको ठीक है तो पहले पढ़ पल रीड कर लेते हैं देखिए है, मैंने पे लिखा है फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीन मीडियम दिस मीन्स मीन्स यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स एज ऑफ एसिडिक मीडियम हमें क्या करना है वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप ऑफ एसिडिक मीडियम ठीक है लेट्स सपोज आपने जब एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया ठीक है अब ध्यान से समझिएगा सपोज आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिया सपोज यहाँ पे ए है इधर बी है और इधर कुछ एच प्लस है और इधर क्या है वाटर है ठीक है मैं दोबारा लिख रहा हूँ ए प्लस इधर एच प्लस है इधर बी है और इधर क्या है वाटर है कुछ ठीक है अब आपको क्या करना है स्टूडेंट लेट्सपोज एसिडिक मीडियम में आपने बैलेंस कर लिया ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे जितने नंबर ऑफ एच प्लस आयन आपको दिख रहे हैं चाहे लेफ्ट साइड या राइट right साइड जितने नंबर ऑफ एच प्लस आयन आपको दिखेंगे चाहे लेफ्ट साइड और राइट right साइड उतने ही नंबर ऑफ ओ एच माइनस आप दोनों साइड ऐड करेंगे रिएक्शन के लेफ्ट साइड भी और राइट right साइड भी लेट्स सपोज यहाँ पे वन एक एच प्लस दिख रहा है ठीक है सपोज यहाँ पे हम टू एच प्लस कर देते हैं तो अगर यहाँ पे टू एच प्लस दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है टू ओ एच माइनस ऐड करना है रिएक्टेंट साइड भी और टू ओ एच माइनस क्या करना है प्रोडक्ट साइड भी ऐड करना है ठीक है ध्यान से समझिएगा ठीक है ऐड कर दिया हमने अब आप ध्यान से देखिए ये टू ओ एच माइनस और टू एच प्लस मिलकर क्या बनेगा वाटर कितने वाटर बनेंगे दो वाटर ठीक है ना अब क्या करेंगे आप यहाँ पे ये दोनों मिलकर दो वाटर बन गए क्योंकि टू एच प्लस प्लस टू एच माइनस क्या मिलेगा हमें टू वाटर अब ये दो वाटर एक वाटर से आप क्या कर देंगे कैंसिल क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है प्रोडक्ट साइड है दिस मीन्स अब रिएक्शन में क्या मिला आपको देखिए ए और साथ में क्या मिला वाटर इधर राइट और इधर क्या मिला आपको बी और क्या मिला ओ एच माइनस टू ओ एच माइनस तो अब देखिए रिएक्शन में अब क्या था रिएक्शन में स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एच प्लस दिख रहा था ठीक है अगर रिएक्शन में कहीं भी एच प्लस दिख रहा है दिस मीन्स वो रिएक्शन किस में है किस में किस मीडियम में प्रोसीड कर रही है क्या कि किस मीडियम में हो रही है एसिडिक मीडियम में अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है रिएक्शन में ओ OH एच माइनस दिस मीन्स क्या है रिएक्शन किस मीडियम में हो रही होगी बेसिक मीडियम में करेक्ट तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या स्टेप कि किया फर्स्ट फोर स्टेप्स आर सेम एज एज वी हैव द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम मतलब यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स एज वी हैव फॉलोड इन एसिडिक मीडियम करेक्ट है तो पहले आपको रिएक्शन को एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है सेकेंड मतलब फोर फर्स्ट फोर स्टेप तो यही हो गए स्टूडेंट बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम फिफ्थ स्टेप क्या है आपको जितने H प्लस आयन आपको दिख रहे हैं चाहे वो लेफ्ट साइड या राइट right साइड आपको उतने ही ओ एच माइनस आपको ऐड करने हैं लेफ्ट साइड भी और राइट right साइड भी उसके बाद H प्लस और जो ओ एच माइनस हैं एक ही तरफ आ रहे हैं उसको कंबाइन करके आपको वाटर मॉलिक्यूल बनाना है और वाटर मॉलिक्यूल अगर कैंसिल हो रहे हैं तो आपको कैंसिल कर देना है तो लास्ट में जो रिएक्शन बचेगी वो किस में आएगी बेसिक मीडियम में होगी करेक्ट है जैसे हमने यहाँ पर किया ठीक है तो मैंने यहाँ पर वही लिखा स्टूडेंट देन ऐड द सेम नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन एज ऑफ एच प्लस आयन ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन दोनों साइड आपको ओ एच माइनस एड कर देने हैं जितने एच प्लस आयन है नेक्स्ट स्टेप क्या है कैंसिल द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो हमने किया था अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आपको दिख रहा है उसको आप कैंसिल कर देंगे ठीक है तो लो आपको जो रिएक्शन मिलेगी वो किस में मिलेगी बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगी और वो मीडियम क्या होगा बेसिक होगा करेक्ट आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल में से डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम तो हमने लिया हुआ है एम एन ओ फोर माइनस गिवस एम एन ओ टू क्या है एम एन ओ टू अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो अब सबसे पहले तो स्टेप हमें वही फॉलो करने हैं कौन से बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम वाले तो एम एन पहले देखें एटम अदर देन ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम तो एटम कितने स्टूडेंट एटम <coughs> यहाँ पे वन इधर भी एम एन कितने हैं वन ठीक है one, अब ऑक्सीजन की बात करें इधर कितने फ़ोर इधर कितने टू तो यहाँ पे टू कम है तो आपने क्या करा टू वाटर ऐड कर दिया ठीक है ध्यान से समझिएगा आपने टू वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन की इधर कितने हो गए फोर तो आप इधर क्या करेंगे फोर एच प्लस ऐड कर देंगे क्या करेंगे फोर एच प्लस अब मैंने क्या कहा था स्टूडेंट जितने एच प्लस आपको दिख रहे हैं चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड आपको दोनों तरफ उतने ही ओ एच माइनस ऐड कर लें तो यहाँ पे कितने फोर एच प्लस तो हम क्या करेंगे फ़ोर ओ एच माइनस ऐड कर देंगे और इधर भी फोर ओ एच माइनस ऐड कर देंगे ठीक है अब देखिए फोर एच प्लस और फोर ओ एच माइनस क्या होंगे क्या बनेगा फोर वाटर मिला ठीक है ध्यान से समझिएगा फोर वाटर से क्या हुआ टू वाटर क्या हो गया कैंसिल हो गया अब रिएक्शन में क्या मिला आपको एम एन ओ फोर माइनस प्लस कितना चार वाटर से दो वाटर चला गया तो कितना मिला टू वाटर और प्रोडक्ट साइड क्या मिला एम एन ओ टू और साथ में क्या मिला फोर ओ एच माइनस ठीक है ना करेक्ट है आप राइट right? अब लास्ट में आप इसको चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं ठीक है या आप शुरुआत में चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं जब आपने क्या करा एसिड में बैलेंस किया था राइट एसिडिक मीडियम में ठीक है सो देखिए क्या था एम एन ओ टू सॉरी हम चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं एम एन ओ फोर माइनस और यहाँ क्या था एम एन ओ टू तो आपने क्या ऐड करा टू एच टू ओ एड कर दिया ठीक है तो इधर क्या हुआ फोर एच प्लस एड हो गया अब अगर चार्ज को बैलेंस करें तो चार्ज को आप यहीं बैलेंस कर लीजिए राइट ठीक है स्टार्टिंग में ही जब आप एसिडिक मीडियम को बैलेंस कर रहे हैं तो चार्ज कितना हो गया देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये यह आयन पेज कितना चार्ज है माइनस वन और इधर कितना है फोर तो एच प्लस है तो फोर प्लस फोर तो माइनस वन प्लस फोर कितना चार्ज हो गया प्लस थ्री का चार्ज है और यहाँ पे देखिए एम एन ओ टू मॉलिक्यूल है तो चार्ज ज़ीरो हो गया वाटर भी मॉलिक्यूल है तो भी चार्ज जीरो हो गया तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट साइड है वो तो प्लस थ्री चार्ज है और प्रोडक्ट साइड कितना जीरो चार्ज है कितने का डिफरेंस है थ्री का डिफरेंस है और किधर चार्ज ज़्यादा है रिएक्टेंट साइड तो उधर आप क्या ऐड करेंगे थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये हमने क्या करा चार्ज को बैलेंस कर दिया अब क्या करना था बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था तो आप क्या करेंगे फोर ओ एच माइनस दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो आपने क्या करा फोर ओ एच माइनस इधर भी ऐड कर दिया और फोर ओ एच माइनस इधर भी ऐड कर दिया अब ये फोर ओ एच माइनस और फोर एच प्लस मिन के क्या मिला फोर वाटर हो गया जो अभी हमने देखा था और फोर वाटर से दो वाटर क्या हो गया कैंसिल हो गया तो जो आपको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा स्टूडेंट बेसिक मीडियम में ठीक है तो आइए देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है हमें ये रिएक्शन को बैलेंस करना है सबसे पहले हमें एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना था हमें क्या फॉलो करना ए ओ एच सी तो एम एन वन है एम एन वन है तो एम एन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप हमें वाटर को सॉरी oh, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था तो यहाँ पे कितने फोर ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने थे टू तो आपने दो वाटर ऐड कर दिए टू बैलेंस एंड ऑक्सीजन एटम करेक्ट थर्ड स्टेप में स्टूडेंट क्या था हाइड्रोजन को बैलेंस करना था तो इधर हाइड्रोजन अब कितने हो गए फोर इधर कितने ज़ीरो तो आपने इधर क्या करा फोर एच प्लस ऐड कर दिया ठीक है फोर्थ स्टेप में आपको चार्ज बैलेंस करना था तो आप देखिए ये एम एन ओ फोर माइनस है तो इस पर चार्ज कितना है माइनस वन और इस पर फोर एच प्लस पे चार्ज कितना है फोर प्लस फोर का तो चार्ज कितना है प्लस थ्री ये दो इधर दोनों ही मॉलिक्यूल हैं तो चार्ज कितना है ज़ीरो तो थ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थ्री प्लस थ्री का चार्ज है तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है थ्री का ठीक है ना और जो किधर ज़्यादा चार्ज है रिएक्टेंट साइड तो उधर आपने क्या करा थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो आपने थ्री इलेक्ट्रॉन क्या करा लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया राइट अब उसके बाद क्या स्टूडेंट तो ये तो बैलेंसिंग यहाँ तक क्या हुआ बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट फोर स्टेप क्या है बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम ये वाला अब आप क्या करेंगे बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम मैंने क्या बताया जितने एच प्लस हैं उतने ही ओ एच माइनस आपको दोनों तरफ ऐड करने तो आपको दिख कितने रहे हैं फोर ओ एच प्लस तो आपने क्या करा फोर ओ एच माइनस लेफ्ट साइड और फो फोर ओ एच माइनस राइट साइड ऐड कर दिया अब देखिए फोर ओ OH एच माइनस और फोर एच प्लस क्या बन के मिला फोर वाटर बन गया और फोर वाटर में से इधर दो वाटर क्या हो गया कैंसिल हो गया तो बचा कितना रह गया इधर दो वाटर तो फाइनल जो आंसर मिलेगा आपको क्या मिलेगा एम एन ओ फोर माइनस प्लस टू वाटर प्लस वाटर स्टूडेंट थ्री इलेक्ट्रॉन जो ये चार्ज है य्स एम एन ओ फोर एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच माइनस आप देखिए सब बैलेंस्ड है एम एन वन एम एन वन ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट यहाँ फोर और इधर टू सिक्स इधर कितने टू और फोर सिक्स हाइड्रोजन देखिए टू टू जो फोर इधर कितने फोर चार्ज देखिए ये कितना स्टूडेंट माइनस वन और माइनस थ्री तो कितना चार्ज है माइनस फोर और इधर कितना है एक ओ एच पे माइनस वन का चार्ज तो चार पे कितना माइनस फोर का चार्ज है करेक्ट सो दिस इज हाउ वी हैव बैलेंस द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम है ना तो पहले आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है फिर आपको जितने एच प्लस आपको दिख रहे हैं उतने ही ओ एच माइनस आपको दोनों तरफ ऐड ऐड कर देने तो वाटर जो बन रहा है उससे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर कैंसिल कर देना है लास्ट में जो रिएक्शन बचेगी वो किस में, में बचेगी कंप्लीटली बैलेंस मिलेगी आपको किस में बेसिक मीडियम में करेक्ट एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ठीक है एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट मैं एक और आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि हेल्प करता है बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम में आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं जो मैंने अभी मेथड ली अपनाया है या जो मैं अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ बट शॉर्टकट जो ट्रिक है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा वो कुछ ही जगह एप्लीकेबल होगा राइट तो जो रॉबर्स मैथड है स्टूडेंट वो यही मैथड है बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम कि पहले आप एसिडिक मीडियम बैलेंस करें और फिर आप उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दीजिए बाई एडिंग ओ एच माइनस सेम अमाउंट ऑफ एज ऑफ एच प्लस ठीक है ये रोबस्ट मेथड है इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है बट ये जो शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ इसकी लिमिटेशन है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा मैं अभी बताऊँगा भी आपको कि लिमिटेशन कहाँ पर आएगी ठीक है तो पहले ट्रिक देखते हैं राइट शॉर्टकट ट्रिक क्या कहता है इन बेसिक मीडियम स्टूडेंट कि सबसे पहले आपको वही करना है एटम अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है करेक्ट है राइट वो आपने कर लिया दूसरे स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बट क्या करना है अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे थे वाटर को ऐड कर रहे थे टू बैलेंस इन ऑक्सीजन एटम राइट और वाटर किधर ऐड कर रहे थे जिधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी इस ट्रिक में क्या करना है आपको आपको वाटर उस साइड ऐड करना है जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको वाटर उस साइड ऐड करना है जिस साइड ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है या नंबर क्या है ज़्यादा है उसी साइड आपको ऐड करना है ठीक है और अपोजिट साइड में आप क्या ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ जितना आपने वाटर ऐड किया उसका डबल आप क्या ऐड करेंगे टू ओ एच माइनस डबल ऑफ ओ एच माइनस ठीक है ना मतलब अगर आप दो वाटर ऐड कर रहे हैं तो उधर फोर ओ एच माइनस ऐड करेंगे अगर एक वाटर ऐड कर रहे हैं तो उस साइड में आप दो ओ एच माइनस ऐड करेंगे ठीक है करेक्ट राइट और लास्ट में क्या बैलेंस कर देंगे चार्ज को ठीक है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन करेक्ट तो आइए देखते हैं मैंने सेम क्वेश्चन यूज़ किया स्टूडेंट जो ये पहले था ये वाला क्वेश्चन इसी को अब हम शॉर्टकट ट्रिक से बैलेंस कर रहे हैं देखिए कैसे एम एन ओ फोर माइनस क्या था हमारे पास एम एन ओ टू अब देखिए ध्यान से हाँ एम एन ऑलरेडी बैलेंसड है फर्स्ट स्टेप हो गया दूसरा स्टेप स्टूडेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो देखिए इधर कितने फोर इधर कितना है टू तो आपको कितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है टू तो आपको वो जो दो ऑक्सीजन एटम मतलब ऑक्सीजन एटम किससे बैलेंस करोगे वाटर से तो आप कितने वाटर ऐड करोगे दो ठीक है ना क्योंकि एक वाटर से एक ऑक्सीजन मिलेगा तो दो वाटर से दो ऑक्सीजन आइटम मिलेंगे करेक्ट है ना सो so, आपको दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है बट किधर ऐड करना है जिधर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है पिछली बार क्या कर रहे थे आप उधर ऐड कर रहे थे जिधर ऑक्सीजन का अमाउंट कम था इस बार उधर ऐड करना है जिधर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो किधर ज़्यादा है इधर तो आप क्या करेंगे टू वाटर ऐड कर देंगे इधर ठीक है जब आपने टू वाटर उधर ऐड किया तो उसके अपोजिट साइड उसका डबल ओ एच माइनस ऐड कर देंगे फोर ओ एच माइनस ठीक है अब लास्ट में आपको क्या बैलेंस करना है चार्ज तो इधर देखिए ये एक आयन है ठीक है तो आयन पे चार्ज कितना है यहाँ पे माइनस वन तो इधर तो चार्ज कितना होगा लेफ्ट साइड में माइनस क्योंकि वा, वाटर पे, पे तो चार्ज जीरो है और इधर देखिए कितना चार्ज है एक ओ एच पे माइनस वन का चार्ज तो फोर पे कितना माइनस फोर का चार्ज तो अब देखिए क्या है इधर माइनस वन का चार्ज इधर कितना माइनस फोर का चार्ज तो आप क्या करेंगे इधर क्या करेंगे अगर थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ठीक है देखिए ध्यान से तो अब चार्ज क्या हो गया बैलेंस हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा माइनस वन ठीक है तो आप देखिए कितना चार्ज होगा माइनस थ्री जब आपने थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड करे और माइनस वन पहले से था तो कितना हो गया माइनस फोर करेक्ट ना तो अब रिएक्शन क्या होगी थ्री इलेक्ट्रॉन और एम एन ओ फोर माइनस प्लस टू वाटर गिव्स एम एन ओ टू और फोर ओ एच माइनस ठीक है यही आंसर स्टूडेंट प्रीवियसली भी आया था जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया था ठीक है सो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या जो अभी हमने सीखा था उससे भी कर सकते हैं ये थोड़ा छोटा मेथड है शॉर्ट है बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है ना मैं बताऊंगा कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है तो क्या ऐड करना है आपको पहले एटम को बैलेंस करना है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम फिर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर बट आप वाटर ऐड करेंगे उस साइड ऐड करेंगे जिधर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था उसके अपोजिट साइड में डबल ऑफ ओ एच माइनस ऐड करेंगे लास्ट में क्या चार्ज को आप बैलेंस कर देंगे क्लियर है स्टूडेंट चार्ज कैसे बैलेंस किया इस पर देखिए जीरो था इस पर कितना था एक पे माइनस वन तो माइनस फोर का चार्ज इधर कितना था माइनस वन का चार्ज राइट तो रिएक्टेंट साइड कितना था माइनस वन चार्ज और प्रोडक्ट साइड कितना था माइनस फोर तो हमने क्या करा थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस वन देखिए माइनस वन माइनस थ्री तो कितना हो गया माइनस फोर इधर भी क्या हो गया माइनस फोर ठीक है तो देखिए मैंने यहाँ पे वही ट्रिक अपनाया किया है एम एन ओ फोर माइनस गिफ्ट एम एन ओ टू अब इधर हमने क्या ऐड करा दो वाटर ऐड कर दिए तो जब इधर दो वाटर ऐड करें रिएक्टेंट साइड तो उधर क्या ऐड कर दिया फोर ओ एच माइनस लास्ट में क्या स्टूडेंट चार्ज को बैलेंस कर दिया तो यहाँ कितना आ गया थ्री इलेक्ट्रॉन है बस तो रिएक्शन ऑलरेडी देखिए क्या है एम एन ओ फोर माइनस प्लस टू वाटर प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गिफ्ट एम एन ओ टू और फोर ओ एच माइनस यहाँ भी देखिए यही आंसर था करेक्ट ना देखिए एम एन ओ फोर माइनस टू वाटर थ्री इलेक्ट्रॉन एम एन ओ टू और फोर ओ एच माइनस करेक्ट ना राइट right? तो देखिए ये हमने शॉर्ट कट ट्रिक से बैलेंस कर दिया है right? राइट तो ये छोटा है बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेसिक मीडियम में बैलेंस करना राइट right? देखिए कैसे क्वेश्चन है बी आर माइनस किस बी आर ओ थ्री माइनस ठीक है शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं स्टूडेंट ठीक है थोड़ा आसान होगा वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ रिएक्शन को बी आर माइनस ठीक है शॉर्टकट ट्रिक से आपको ही बैलेंस करना है बी आर ओ थ्री माइनस तो क्या रिएक्शन बी आर ऑलरेडी बैलेंस स्टूडेंट वन और वन है अब ऑक्सीजन कितने इधर थ्री इधर जीरो तो आप क्या करेंगे थ्री वाटर ऐड करेंगे बट किस साइड ऐड करेंगे इधर ऑक्सीजन ज़्यादा था तो आपने थ्री वाटर इधर ऐड कर दिया अब अपोजिट साइड में क्या करेंगे डब डबल ऑफ क्या करेंगे ओ एच माइनस तो सिक्स ऑफ ओ एच माइनस ऐड कर दिया अब चार्ज देखिए स्टूडेंट ये बी आर आयन है तो इस पर चार्ज कितना तो है माइनस वन का चार्ज है और ये क्या सिक्स ओ एच माइनस है तो एक ओ एच माइनस पे माइनस वन का चार्ज तो सिक्स पे कितना माइनस सिक्स का चार्ज तो इधर कितना आएगा माइनस सेवन चार्ज और इधर कितना है इस पर बी आर ओ थ्री माइनस पे माइनस वन का चार्ज और ये वाटर है तो जीरो इधर चार्ज कितना है माइनस वन तो अब देखिए कितने का डिफरेंस है सिक्स का ठीक है ना तो आप क्या करेंगे इधर सिक्स इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या हुआ माइनस वन और सिक्स इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन एक इलेक्ट्रॉन माइनस वन का चार्ज तो छः पे कितना माइनस सिक्स का तो अब ये कितना हो गया माइनस सेवन और इधर भी कितना हो गया माइनस सेवन तो ये क्या हो गया ऑलरेडी बैलेंस्ड इन क्या बेटा बेसिक मीडियम में ठीक है सो तो देखिए ये आंसर वैसे ही है बी आर माइनस गी आर ओ थ्री माइनस पहला तो पहला स्टेप में हमने बी आर को बैलेंस था ऑलरेडी इधर कितना स्टूडेंट तीन ऑक्सीजन है इधर जीरो ऑक्सीजन तो थ्री वाटर ऐड कर दिया उसके अपोजिट साइड में क्या ऐड कर दिया डबल ऑफ ओ एच माइनस ऐड कर दिया अब हमने चार्ज बैलेंस कर दिया देखिए चार्ज बैलेंस कैसे हुआ सिक्स ओ एच माइनस पे कितना सिक्स ओ एच माइनस थे आयन थे तो एक ओ एच माइनस पे माइनस वन का चार्ज तो छः पे कितना माइनस वन बी आर माइनस पे माइनस वन तो कितना माइनस सेवन और प्रोडक्ट साइड में कितना था बी आर ओ थ्री माइनस तो माइनस वन का चार्ज है और वाटर पे तो जीरो है तो इधर कितना चार्ज है माइनस वन तो अगर मैं यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है माइनस वन सिक्स इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज so, होगा माइनस सिक्स तो कितना होगा माइनस सेवन और माइनस वन बराबर हो गया इसीलिए हमने क्या करा प्रोडक्ट साइड में क्या ऐड कर दिया सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें फिर से बैलेंस करना है इसमें बेसिक मीडियम में अब स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन है जिसमें शॉर्टकट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी ठीक है देखिए स्टूडेंट अगर आप रिएक्शन को बेसिक मीडियम बैलेंस कर रहे हैं ठीक है ना और ऑलरेडी रिएक्शन में कहीं भी एच ह... आयन आ रहा है सॉरी हाइड्रोजन आ रहा है क्या आ रहा है हाइड्रोजन कहीं भी अपेयर हो रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ अगर आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं बेसिक मीडियम में और रिएक्शन में पहले से ही एच प्रेजेंट है हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाएंगे उससे आंसर रॉन्ग आएगा या वो उससे बैलेंस ही नहीं होगा ठीक है तो ये उसकी लिमिटेशन है किसकी शॉर्टकट मेथड की तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अगर आप कोई रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं और ऑलरेडी उस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप शॉर्टकट ट्रिक से बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि उससे वो बैलेंस नहीं होने वाला आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे जो जनरल मेथड है ठीक है जो मैंने बोला था रोबस्ट मेथड है जो पहला वाला है वही यूजफुल होगा क्या कहते हैं यहाँ पे ठीक है सो देखिए क्या है सी आर ओ ओ एच CRO4 गिव सी आर ओ फोर टू माइनस इसको हमें बैलेंस करना है अब आप देखिए स्टूडेंट ऑलरेडी क्या है यहाँ पे रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ आप अपने आप कर सकते हैं उसको ठीक है तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ किससे जो डिटेल्ड मेथड है उससे ही ठीक है जिसमें पहले हमें एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है फिर बेसिक मीडियम बैलेंस करना है तो आइए करते हैं स्टूडेंट इधर कितने हैं सी आर वन है सी आर इधर भी वन है इधर ऑक्सीजन कितने थ्री है इधर फोर है तो इसका मतलब एक ऑक्सीन का डिफरेंस है तो इधर आप क्या ऐड करेंगे एक वाटर ऐड कर देंगे तो जब आपने एक वाटर ऐड किया तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए दो यहाँ पे टू और थ्री पहले से थे तो कितने फाइव तो आप क्या ऐड करेंगे फाइव एच प्लस आपने ऐड कर दिया ठीक है राइट अब आपको क्या करना था चार्ज को बैलेंस करना था तो देखिए चार्ज को बैलेंस करेंगे ये क्या है ज़ीरो क्योंकि मॉलिक्यूल है वाटर जीरो मॉलिक्यूल है अब यहाँ पर देखिए इस इस क्रोमेट आयन पे चार्ज कितना है माइनस वन माइनस टू का और फाइव एच प्लस एक एच प्लस पे प्लस वन का चार्ज तो फाइव पे कितना प्लस फाइव का चार्ज तो कितना चार्ज हो गया प्लस थ्री का चार्ज राइट right? तो रिएक्टेंट साइड जीरो और प्रोडक्ट साइड कितना प्लस थ्री का चार्ज तो इधर ज़्यादा है और थ्री का डिफरेंस है तो आप इधर क्या ऐड कर देंगे थ्री इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया ठीक है राइट अब क्या बचा स्टूडेंट बैलेंसिंग इन क्या बेसिक मीडियम राइट अब बेसिक मीडियम में क्या करेंगे स्टूडेंट आप जितने ही एच प्लस आपको थे फाइव एच प्लस उतना ही आप क्या करेंगे ओ एच माइनस ऐड करेंगे तो आपने क्या करा फाइव ओ एच माइनस इधर भी ऐड कर दिया फाइव ओ एच माइनस इधर भी ऐड कर दिया राइट तो देखिए क्या हुआ रिएक्शन क्या बना सी आर ओ एच प्लस फाइव एच प्लस प्लस फाइव ओ एच माइनस करेक्ट स्टूडेंट और इधर क्या था सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस क्या था स्टूडेंट राइट वन मिनट स्टूडेंट राइट क्या था सी आर ओ सॉरी सी आर ओ एच होल्थ्राइस ठीक है फिर था हमारे पास वाटर uh, हमने ऐड किया था एच टू ओ फिर क्या हुआ था इधर uh, इधर था सी आर ओ फोर टू माइनस और इधर कितना था फाइव एच प्लस और थ्री इलेक्ट्रॉन राइट ये था तो अब आपने क्या ऐड करा बोथ साइड क्या क्या ऐड कर दिया फ़ाइव ओ एच माइनस और फाइव ओ एच माइनस दो दोनों तरफ ऐड कर दिया अब देखें यहाँ पे क्या हुआ 5H एच प्लस फाइव ओ एच माइनस क्या बन गया फाइव वाटर हो गया ठीक है तो फाइव वाटर से एक क्या वाटर कैंसिल हो गया तो आंसर क्या मिला सी आर ओ थ्री सी आर ओ एच होल थ्राइस प्लस कैश फाइव ओ एच माइनस इधर क्या मिला सी आर ओ फोर टू माइनस फाइव ओ एच माइनस और वाटर कितना बचा फोर वाटर करेक्ट ना, क्लियर है राइट सो देखिए मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है सी आर ओ थ्री और कितना स्टूडेंट ओ एच तो इधर हमने एक वाटर ऐड कर दिया क्योंकि इधर क्रोमियम तो ऑलरेडी बैलेंस था, था इधर कितने फोर ऑक्सीजन इधर कितना एक वाटर ऐड कर दिया अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए फाइव तो इधर आपने फ़ाइव एच प्लस ऐड कर दिया अब आपने ये ऐड किया क्या किया चार्ज को बैलेंस किया इधर चार्ज जीरो था इधर चार्ज कितना था प्लस फाइव माइनस टू दैट इज़ प्लस थ्री इधर ज़ीरो तो आपने थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए अब इसके इसके आगे स्टूडेंट मैंने मेंशन नहीं किया है अब प्लीज़ आप उसको मेंशन करिएगा क्योंकि हमें बैलेंस किस में करना है बेसिक मीडियम में ठीक है तो आप ये ख़ुद कर सकते हैं राइट ठीक है कैसे करेंगे मैंने क्या बोला था इधर भी आप फ़ाइव फो माइनस ऐड करेंगे इधर भी फाइव फो माइनस ऐड करेंगे ठीक है अब देखिए क्या है ये फ़ाइव ओ फाइव एच प्लस फाइव फो एच माइनस क्या हो मिल गया फाइव वाटर फाइव वाटर से क्या हो गया एक वाटर कैंसिल हो गया ठीक है ना तो आंसर क्या मिला देखिए स्टूडेंट आपको आंसर मिलेगा सी आर ओ एच होल्थ्राइस प्लस कितना फाइव ओ एच माइनस और प्रोडक्ट साइड क्या मिलेगा आपको सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस क्या मिलेगा फाइव वाटर में से कितना फोर एक वाटर कैंसिल हो गया तो फोर वाटर प्लस कितना इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट थ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा ठीक है तो ये ऑलरेडी क्या रिएक्शन ये रिएक्शन क्या है स्टूडेंट कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है किसमें बेसिक मीडियम में तो प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा आप ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या है सी आर ओ एच होल्थ्राइस प्लस फाइव ओ एच माइनस गिफ सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस कितना फोर वाटर प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन करेक्ट है तो ये कंप्लीट आंसर आएगा स्टूडेंट राइट ठीक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट आगे यहाँ पे कितना ऐड करेंगे ये वाटर हटा दीजिएगा यहाँ से आगे जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा ये फाइव एच प्लस की तो ये जगह आएगा फोर वाटर और यहाँ क्या आएगा फाइव ओ एच माइनस ये आंसर आएगा करेक्ट तो प्लीज़ नोट इट डाउन है ना मैंने नहीं किया मैंने यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ही छोड़ दिया है आप उसको कंटिन्यू करेंगे इसमें बेसिक मीडियम में ठीक है तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कैसे हमने बैलेंसिंग करी एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में करेक्ट है ना क्लियर राइट अभी हमने स्टूडेंट बैलेंसिंग करी किसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या हाफ़ रिएक्शन मेथड से ठीक है तो अभी हमने हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया है चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो या रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट कंप्लीट रिएक्शन रेड रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे क्लियर है राइट बाय सेम मेथड दैट इज़ आयन एन इलेक्ट्रॉन मेथड सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टूडेंट राइट थैंक यू